स्टार प्लस का शो इमली जब से शुरू हुआ है तभी से लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है। पिछले कई महीनों में शो से कई बड़े बड़े स्टार्स ने किनारा भी कर लिया। आदित्य कुमार त्रिपाठी यानी कि एक्टर गश्मीर महाजनी के साथ सुंबुल की केमिस्ट्री बेहद ही लाजवाब थी, लेकिन फिर गश्मीर ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के कारण शो से किनारा कर लिया। इसके बाद कहानी मयूरी देशमुख यानी कि मालिनी के कारनामों के साथ आगे बढ़ती नजर आई, लेकिन फिर मालिनी की काली करतूतों का पर्दाफाश होने के बाद वो भी शो से पूरी तरह से गायब हो गए, जिससे शो के फैंस काफी हैरान थे और उदास भी कि आखिर मयूरी शो में क्यों नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बार फिर से शो की ये बड़ी किरदार यानी कि मालिनी वापसी कर रही हैं। जी हाँ, टेली चक्कर की रिपोर्ट की माने तो एक बार फिर से मयूरी देशमुख शो में एंट्री करने वाली हैं मालिनी बनकर। मतलब क्योंकि शो में मालिनी का किरदार पूरी तरह से नेगेटिव था और इमली के दुश्मन के तौर पर दिखाया जा रहा था, और इमली के खुलासे के बाद ही मालिनी के जेल का ट्रैक भी आया था और तभी से वो गायब चल रही थी। ऐसे में इस बार मालिनी की जब वापसी होगी तो कहानी में एक बार फिर से जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स तो जरूर आएंगे। एक बार फिर से मालिनी इमली के लिए साजिशों के जाल बुनती नजर आएगी और हो सकता है कि वो इमली और उसके पति आर्यन को एक दूसरे से अलग करने के जाल बुनती भी नजर आए, क्योंकि मालिनी इमली को ही उसकी लाइफ के बर्बाद होने का कारण मानती है। वहीं आदित्य से मालिनी का दूर होने का कारण भी मालिनी इमली को ही समझती है। ऐसे में जब इस बार मालिनी आएगी तो जाहिर तौर पर इमली आर्यन की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने के इरादे से ही लौटेगी। हालांकि अभी मालिनी की वापसी पर ऑफिशियली कंफर्मेशन तो सामने नहीं आई, लेकिन खबरें हैं कि मालिनी की वापसी के साथ मेकर्स कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाने की तैयारियों में जुट चुके हैं। आप मयूरी देशमुख की वापसी पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? शेयर कीजिएगा अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।